Hi everyone, this is me, Guy That Does Everything, और आज की इस वीडियो के लिए I've got something really fresh and exciting, क्योंकि Corsair ने recently gaming mouse की new series introduce करवाई है with the name of IronClaw RGB, so Corsair ने मुझे उसी series का एक gaming mouse send किया है, that is FPS/MOBA gaming mouse. So आज के इस रिव्यू में हम देखेंगे कि Corsair का ये न्यू गेमिंग माउस gamers के लिए कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि gamers की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दो ही ख्वाहिशें होती हैं. पहली तो ये कि उसको एक गेमर गर्लफ्रेंड मिले एंड सेकंड वन इज कि उसके पास एक प्रॉपर ग्रिप और अच्छे ऑप्टिकल सेंसर वाला गेमिंग माउस हो जिससे उसका एम और रिस्पांस टाइम इम्प्रूव हो सके. नाउ ऑफ कोर्स Corsair आप लोगों की पहली वाली ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता, बट लेट्स सी हाउ इट डज विद द सेकंड वन. सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. Alright, so let's quickly start with the unboxing और साथ ही इसकी specifications भी discuss कर लेते हैं. IronClaw series में जो सबसे major improvement है वो है PMW3391 optical sensor जिसकी accuracy काफी ज्यादा होती है, like you can go up to 18,000 DPI on this mouse, which is way too much for any gaming mouse out there. And by the way, if you guys are wondering कि इस gaming mouse को आप कहाँ से purchase कर सकते हैं, then the answer is EaseTec. So go check out their website, links are in the description. Okay, so enough talking, let's just quickly get this mouse out of the box. So right out of the box, जो सबसे पहली चीज मैंने इस माउस में नोट की है या फिर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है इसका शेप और डिजाइन. It really looks like Corsair ने ये gaming mouse specifically big hands या फिर palm grip users के लिए design किया है. So अगर आपके थोड़े बड़े हाथ हैं, then this mouse is gonna be really comfortable to hold. क्योंकि इस माउस में आपके हाथ के साथ साथ आपकी बाकी फिंगर्स को भी प्रॉपर रेस्टिंग प्लेस मिलती है, विच इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्गर गेमिंग सेशंस. अब इस माउस की एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना प्रोफेशनल और कम्पेटिटिव गेमर्स को ये माउस यूज करने के लिए दिया जाए एंड देन उनकी राय ली जाए कि ये गेमिंग माउस उन्हें गेमिंग पर्पज के लिए कैसा लगा. So let's head over to one of the best gaming zone in Karachi, that is local host gaming zone, और वहां जाकर गेमर्स से इसका रिव्यू लेते हैं. Hi guys, this is Umar for Umar's Mania और आज मैं यहाँ पे एक local host आया हूँ एक माउस का रिव्यू करने जो Corsair IronClaw है. और इस माउस के अंदर मैं देखूँगा कि इस माउस की क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, तो माउस मैंने यूज़ कर लिया है और क्योंकि स्टार्टिंग में सेंसिटिविटी का तो थोड़ा सा इशू था, क्योंकि अगर आप सीएस खेलते हैं तो आपको पता ही होता है कि आप किसी न्यू चीज़ पे जाते हैं तो आपको पहले चीज़ें सेट करनी होती हैं. तो इस माउस की हम पहले एडवांटेज की बात करेंगे. इस माउस के अंदर जो है एक तो ख़ास तौर पर जो लोगों को ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद आती चीज़ जो RGB है, और इस माउस के जो शेप है वो बहुत अच्छी शेप है. इस पर लेफ्ट साइड पर भी बटन्स हैं और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, लेदर साइड ग्रिप है इसकी लेफ्ट साइड की, और इसके जो क्लिक्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं. माउस जो है काफ़ी चलाने में, और अगर आप CS खेलते हैं या कोई भी आप बी हॉप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्या नाम है ईजिली आप इसके माउस के व्हील से बी हॉप कर सकते हैं. काफ़ी स्मूथ इसका माउस का व्हील है. और बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वेट की. इसका वेट जो है 108 ग्राम इसका वेट है, और क्योंकि मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से ये वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप माउस यूज़ कर रहे होते हैं खासतौर पर आप CS खेल रहे होते हैं तो ये आप बहुत ज़्यादा अपने हैंड को मूव करते हैं, क्योंकि आप लो सेंसी भी खेलते हैं, क्योंकि आजकल के जो प्लेयर्स होते हैं वो काफ़ी लो सेंसी भी खेलते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि माउस को पूरे पैड पे वो यूज़ करें. तो वेट के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ये मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा इसका वेट. और इसकी वायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है. अगर आप CS खेल रहे हैं तो आपको पूरा फ्रीडम नहीं मिलता अपने माउस पैड पर अपने माउस को यूज़ करने का,
अगर आपके पास बंजी है जो अलग से आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फिर मैं प्रेफर करूँगा कि इसकी वायर सही है। ऑलराइट, मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें रख दी हैं, इसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। तो मेरे हिसाब से ये माउस जो, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है कि उसकी किस ग्रिप से वो माउस को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं जो प्रेफर करूँगा वो फोर्टनाइट, पबजी, एपिक्स लेजेंड, ये जो गेम्स हैं कैजुअली जो आप खेल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उसके लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा इस माउस को। बहुत अच्छा लगा माउस मुझे, ग्रिप का फ़ैन हो चुका हूँ मैं, बहुत अच्छी ग्रिप है और क्लिक थोड़ा सा सॉफ्ट है। ये हो सकता है कि खेलते वक्त डबल क्लिक हो जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हो सकता है, और थोड़ा सा वायर का इशू है। वायर वैसे बहुत अच्छा है, यूज़ करें तो बस अगर आपको स्ट्रेफ करना है इधर फ्लेक्स के लिए, रिफ्लेक्स के लिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि वायर बहुत हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो उसकी वजह से काफ़ी इशू हो सकता है। बट इफ़ यू हैव बंजी देन वायर इज़ गुड। ग्रिप का मैं फ़ैन हो गया और नॉर्मल मैं वैसे जो भी यूज़ करता हूँ, हो सकता है कि मैं इसके ऊपर शिफ्ट हो जाऊँ, हो सकता है, क्योंकि इसकी ग्रिप ऐसी है कि ये इसका मटेरियल ऐसा है कि ये मैट है थोड़ा, मतलब अगर आपको पसीने आते हैं हाथ में तो उससे इशू नहीं होगा, और जो भी में ये होता है कि अगर आपको पसीने आए तो वो स्लिप होता है। Alright, so there you have it. Dono hi gamers ne is mouse ke bare mein apna review de diya hai, whatever they liked or disliked about this mouse, because that is exactly what I wanted. Ki aap logon ko mere review ke saath saath un logon ka bhi review mile jinke liye ye mouse actually banaya gaya hai. But ab un dono gamers ke samne mere review ki waise koi value to nahi hai, but phir bhi free hai to yaar le lo. So, अगर आप लोगों का workflow मेरी तरह है जिसमें gaming के साथ साथ productive softwares जैसे कि Adobe Premiere, After Effects वगैरह शामिल हैं, then this mouse is gonna be really good for you because of two reasons. पहली reason तो of course इसकी grip है, क्योंकि इसकी grip इतनी comfortable design की गई है कि अगर आप longer duration के लिए भी इस mouse को use कर रहे हैं, so you won't feel any hassle in your hands. Second reason is its programmable buttons. इसके सारे के सारे buttons programmable हैं. So let's say कि अगर आप Adobe Premiere use कर रहे हैं तो इसके किसी भी button को आप आसानी से shortcut बना सकते हैं. Alright, so that sums up the review. I hope that you liked the video, and if you did, then don't forget to like and subscribe to the channel. And at the end, I would really like to thank Localhost Gaming for providing their premises to shoot the video. And thanks to Umar's Mania as well for coming for the review. He's a fellow YouTuber and a good friend of mine, so make sure you subscribe to him as well. Alright, so that's it. I will see you with the next one. Bye.